घटिला चपर हेलिकॉप्टर रो बड़ भयंकर दुर्घटना। एही दुर्घटना रे सेनार मुख्य बिपिन रावत को सहित अन्य 13 जन सैनिकंकर मृत्यु घटिछि। तो फ्रेंड चलंतु एही भयंकर दुर्घटना विषय रे संपूर्ण रिपोर्ट देखबा हमें वीडियो माध्यम रे। हेलो फ्रेंड नमस्कार, मुरने आपण माने देखुछंती एसएलटी वीडियो। तो फ्रेंड आसंतु नजर पकाइबा आज रही बड़ खबर उपरे। चपर रा घटिला दुर्घटना, सीडीएस बिपिन रावत कर मृत्यु, तांको सहित अन्य 13 जन सैनिकंकर भी घटिला मृत्यु। तमिलनाडु कुन्नर ठारे घटिथिबा हेलिकॉप्टर दुर्घटना रे सीडीएस बिपिन रावत कर मृत्यु होईछि। एने भारतीय वायुसेना पक्षरु ट्वीट जोगे दिया जायछि सूचना। कुहा जाउछि कि कुहुडी कारणरु चपरटी दुर्घटनार शिकार होईथिला। एही हेलिकॉप्टर रे 14 जन थिबा बेले 13 जनकर मृत्यु होईथिबा जातीय गणमाध्यम एएनआई देइछि सूचना। मृतक मानक मध्यरे जने महिला थिबा मध्य कुहा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुजाई समस्त मर शरीर को डीएनए टेस्ट करा जिवो, एहा द्वारा सेमानंकर परिचय स्पष्ट हेबो। तमिलनाडुर कुन्नर ठारे दुर्घटनार शिकार होइथिबा हेलिकॉप्टर रे सीडीएस बिपिन रावत, तांको पत्नी मधुलिका रावत, पायलट ग्रुप कैप्टेन पीएस चौहान ओ स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप मध्य थिले। जने ब्रिगेडियर यांको अधिकारीको समेत मोट 14 जन लोक यात्रा करूथिले। हेलिकॉप्टरटी दिल्ली अभिमुखे यात्रा करूथिबा बेले तमिलनाडुर कुन्नूर ठारे घंच जंगल भितरे दुर्घटनार शिकार होइथिला। एही खबर पाइबा परे स्थानीय लोक ओ पुलिस कर्मीको सहायता रे सेमानकु उद्धार करा जायथिला। जीवित थिबा लोकमानकु तुरंत हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायथिला। जातीय गणमाध्यमर सूचना अनुसार मोट 14 जन यात्रीको मध्यरु वर्तमान 13 जन यात्रीकर मृत्यु हो सारी। बिपिन रावत थिले भारत एक वीर पुत्र। भारत वीर पुत्र दुर्घटन प्राण हर पर शोक बुड़ी पूरा देश शोक प्रकाश कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वीर पुत्र को हर देश वर्तमान दुखित। सेहिपरि प्रधानमंत्री मोदी शोक प्रकाश करने सहित कहते जेनेल रावत जड़े अद्वितीय योद्धा थे। एभली योद्धा को हराई सारा देश शोक बुड़ी जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुजाई विलिंगटन ठारे थिबा आर्म फोर्स रा एक कॉलेज रे मुख्य वक्ता भाबे जोग देबाकु सीडीएस बिपिन रावत तांको कर्मचारी एवं परिवार सदस्य माने मे सीरीज हेलिकॉप्टर रे जाउथिबा बेले एभली भयंकर दुर्घटना घटिथिला। तो फ्रेंड सर्वशेषे मुझे अनुरोध करुच्ची आपण मैंने वीरपुत्र बिपिन रावत आत्मार सद्गति भगवान पाखरे प्रार्थना करूँ।